राम जी सभी को, मैं आप लोगों का साथी मोहित पुनिया भाई आप सबका जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो के अंदर भाई आप ही एसएससी जीडी कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर के अंदर जो भी क्वेश्चन आए थे आज की वीडियो के अंदर हम लोग वो उन सभी का सॉल्यूशन करेंगे। क्योंकि देखो भाई, अगर आप लोग एसएससी जीडी का एग्जाम देने लग रहे हो, बहुत ही ईजी एग्जाम आता है ईजी लेवल का, और आप लोग अगर जानना चाहते हो भाई कितना ईजी आता है, क्या लेवल रहता है एग्जाम का, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना भाई, ठीक है। तो देखते हैं भाई, पहला क्वेश्चन जैसे रीजनिंग का आता है, आप लोगों को साथ के साथ करके देखना है, साथ के साथ मैं करवाने लग रहा हूँ। यदि रेड को 19 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो वेडनेसडे को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। यानी कि मान लो भाई ये रेड है, इसको हमने 19 कोड दिया है। 19 कोड क्यों दिया है, कैसे दिया, आप लोग भी करके देखिए। आर है, आर कितने नंबर पर आता है, आर आता है आपका, बताओ भाई आर कितने नंबर पर आता है, 18 नंबर पर आता है। ई कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पर आता है। और डी कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर। तो इस तरीके के सवाल के अंदर क्या किया गया, हमें देखना भाई इन तीनों संख्याओं के साथ हम क्या करें कि हमारा आंसर 19 आ जाए। अब हमें क्या करना है कि इन तीनों संख्याएं के साथ हम लोग क्या करें कि हमारा आंसर 19 आ जाए। तो 19 आंसर लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो 5 और 4 है, अगर इसके 5 के अंदर से अगर हम 4 घटा दें तो क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। और अगर इस 1 को इस 18 के अंदर जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 19 बन जाएगा। तो यानी कि कोड हमारा मतलब कि रूल क्या रहेगा कि जोन सी आखिरी की जोन सी दो संख्याएं हैं उन दोनों का डिफरेंस है, उन दोनों का डिफरेंस जो भी आएगा वो पहली संख्या के अंदर जुड़ जाएगा, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम वेडनेसडे को करेंगे। अब वेडनेसडे का क्या कोड होता है, W का क्या कोड होता है, 23। ये आप लोगों को याद होने चाहिए ABCD के हिसाब से कौन से नंबर पर कौन सा कोड आता है। E का क्या कोड होता है आपका, 5। और D का क्या कोड होता है आपका, 4। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1। और इस 23 के अंदर ये 1 जोड़ेंगे तो कितना आंसर आ जाए, 24। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। मैंने पहले के निशान लगा रखे ताकि आप लोग अपना आंसर चेक कर सके। अगला क्वेश्चन क्या है, सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे रीजनिंग के भी और इंडिया जीके के भी और मैथ के भी, इंग्लिश की, हिंदी सब के, ठीक है। सोनम बड़ी है रेनू से, अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है बड़े वाला, तो आप लोग इसको सीरीज में लिख लीजिए और इनको कोड दीजिए। जैसे सोनम का कोड लगा दिया हमने एस, सोनम है वो किससे बड़ी है, रेनू से, तो रेनू हमने नीचे लिख दिया और सोनम है वो ऊपर लिख दिया। मतलब कि जो बड़ा है उसको ऊपर लिखते जाओ और जो छोटा उसको नीचे लिखते जाओ। कोमल है वो छोटी है रेनू से, एक मिनट रुको मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पर बीच में। सोनू है वो बड़ी है रेनू से, ठीक है, और जो कोमल है वो छोटी है रेनू से। कोमल है ये के का मतलब कोमल, वो रेनू से छोटी है। प्रिया बड़ी है सोनम से, ठीक है, तो इनमें से सबसे बड़ा कौन हो गया, प्रिया हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, प्रिया। देख लो आप लोग खुद देख सकते हो सबसे बड़े नंबर पर कौन है प्रिया और सबसे छोटे नंबर पर कौन है कोमल। आप इस प्रकार का अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए रीजनिंग के अंदर तो इनको इसी प्रकार से करना, जो सबसे बड़ा है उसको सबसे ऊपर लिखिए और जो सबसे छोटा उसको सबसे नीचे लिख सके आप लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, अगर आपको इन क्वेश्चन की भाई PDF चाहिए हो, अगर आपको इन रीजनिंग के क्वेश्चन की PDF हो, मतलब कि पूरे क्वेश्चन पेपर की, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इंस्टाग्राम ID का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, आप लोग वहां पर मैसेज करके PDF ले सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है रीजनिंग का, इस प्रकार का क्वेश्चन भी आता है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। मतलब अब हमें इसके अंदर ये चेक करना है भाई श्रृंखला के अंदर क्या कोड बनने लग रहा है। तो हमने जैसे चेक किया, जैसे हमने लिखा 14, 18, 24, 32 और 42, इसके अंदर कोड क्या बनेगा आप लोगों का, मैंने चेक किया हुआ है। जैसे 14 और 18 के बीच का डिफरेंस कितना है, 14 और 18 के बीच का डिफरेंस कितना है, 4। 18 और 24 के बीच का डिफरेंस 6। 24 और 32 के बीच का डिफरेंस 8। तो इस प्रकार से डिफरेंस के अंदर दो दो अंक क्या जा रहे हैं, बढ़ते हुए जाने लग रहे हैं। यानी 4, 2, 6, 2, 8, 16, ठीक है, मतलब 8 के बाद दो अंक बढ़ जाएंगे 10, यानी कि 32 के अंदर अगर 10 जुड़ेंगे तो 42, और फिर उसके अंदर दो अंक और बढ़ा दो, यानी कि 42 के अंदर कितने जुड़ेंगे, 12 जुड़ेंगे, और 42 और 10 कितने हो गए, 52, 52 + 2, 54, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 54 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया होगा सबके समझ में कैसे आया, अगर दोबारा से बता देता हूँ। जैसे देखो ये आप लोगों को श्रृंखला दी हुई है, ठीक है, इसके अंदर 14 और 18 के बीच का डिफरेंस कितना है, 4। 18 और 24 के बीच का डिफरेंस 6। 24 और 32 के बीच का डिफरेंस 8। 32 और 42 के बीच का डिफरेंस 10, ठीक है। अब हमने देख लिया दो दो के डिफरेंस पर इनका डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, यानी कि 4 + 2 = 6, 6 + 2 = 8, 8 + 2 = 10, तो इस 10 के अंदर भी 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12, ठीक। और अब इस 42 के अंदर अगर ये 12 जोड़ेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 54, इसका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, तो देखो भाई इस प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे, जैसे कि अब हमारे इसके अंदर जैसे कि वर्डिंग क्या दे रखी है, SMART, ठीक है, स्मार्ट लिख रखा है SMART,
और इसका रिलेशन हमें ये चेक करना भाई आर के एक्स एन ओ के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। यानी कि इसके साथ जो रिलेशन होगा वही रिलेशन आप लोगों का सेम टू सेम ग्रेट का होगा। इन चार ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पी एफ बी डब्ल्यू ओ के साथ वही आंसर होगा। तो अब हमें इसको चेक करना, मतलब रिलेशन है क्या इन दोनों के बीच में। एस आपका कितने नंबर पर आता है, एस है वो आपका कितने नंबर पर आता है 19 नंबर पर आता है। आर है वो आपका किस नंबर पर आता है 18 नंबर पर आता है। एम है वो आपका कितने, आप पहले इनकी नंबरिंग लिख लीजिए। एम आता है आपका 13 नंबर पर, के आता है 11 नंबर पर, ए 1 पर, एक्स आता है आपका 24 पर, आर आपका कितने नंबर पर आता है 18 नंबर पर, और एन कितने नंबर पर आता है 14 नंबर पर, टी आपका कितने पर आता है 20 नंबर पर, और ओ कितने पर आता है 15 नंबर पर। अगर आप लोग अब इसको डिफरेंस को देखने लगे तो 19 के अंदर से अगर हम लोग 1 को माइनस कर दें तो क्या आता है 18 आ जाता है, 13 के अंदर से अगर हम लोग 2 माइनस कर दें तो 11 आ जाता है, 1 के अंदर से अगर हम 3 माइनस कर दें ए बी सी डी की सीरीज के हिसाब से तो 24 आ जाएगा, 18 के अंदर से अगर हम 4 माइनस कर दें तो 14 आ जाएगा, और 20 के अंदर से अगर हम 5 माइनस कर दें तो 15 आ जाएगा। तो उसी प्रकार सेम टू सेम ये सीरीज क्या बन गई है कि भाई पहले 1 माइनस करेंगे, फिर 2 माइनस करेंगे, फिर 3, फिर 4 और फिर 5 ऊपर वाली संख्याओं के अंदर से। तो सेम टू सेम अब हमें इस ग्रेट के अंदर करना है, ग्रेट के अंदर भी यही प्रोसेस अप्लाई होगी। जो भी इनके नंबर आप लोग इनको नंबरिंग दे दीजिएगा, ठीक है। और इसके अंदर से जैसे पहले वाले के अंदर से उस नंबर के अंदर से एक घटा के जो भी डिजिट आता है उसको लिख दीजिए, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, ठीक है। एज इट इज यही प्रोसेस चलेगी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन तो आकृति वाला है, आप लोग कर ही लोगे, आकृति को पूरा कीजिए, ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। आकृति को आप लोग देख सकते हो भाई, इधर दो दो डंडों का गैप आने लग रहा है, तो सेम टू सेम दो दो डंडों वाली आकृति ये हो जाएगी। इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, देखो सिंपल सा सवाल है, इसके अंदर कुछ भी ज़्यादा विशेष कार्य नहीं है। 47 इस सवाल का आंसर है, आप लोगों को बता देता हूँ मैं कैसे आया। अगर हम लोग 117 के अंदर से अगर हम लोग 10 माइनस करते हैं तो 107 आ जाते हैं, ठीक है। ये हमें अलग अलग फॉर्मूले चेक करके देखने होते हैं इसके अंदर। अब अगर 107 के अंदर से अगर हम लोग 15 माइनस करते हैं तो 92 आ जाएगा आपका। 92 के अंदर से अगर हम लोग 20 माइनस करते हैं तो आपका 72 आ जाएगा। और अगर इस 72 के अंदर से अगर हम लोग 25 माइनस करेंगे तो आपका 47 आ जाएगा। ये कैसे, देखो सीरीज आप लोग खुद देख सकते हो, बस शुरू के अंदर सीरीज कैसे बनी, 10 15 20, यानी कि 5-5 का गैप है इनके गैपों के अंदर। तो अगला गैप हमने फिर 5 का ले लिया, माइनस 10 माइनस 15 माइनस 20 माइनस 25, ठीक है। तो अब 72 के अंदर से अगर 25 घटाओगे तो क्या आंसर आ जाएगा आप लोगों का, 47 है वो इस सवाल का आंसर आ जाएगा, आसानी से कर सकते हो आप लोग। अगला सवाल देखो आप लोगों का ये है कि अगर भाई आपका डिवाइड है उसका अर्थ है मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये ही नहीं दिखाई दे रहा इसके अंदर भाई डिवाइड का निशान कौन सा और प्लस का निशान कौन सा है। चलो जो भी है, मतलब आप लोग इसको समझ जाओगे, ठीक है, आप लोग इसको आसानी से समझ सकते हो। अगर प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई और माइनस का अर्थ है प्लस और मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड और डिवाइड का अर्थ है माइनस, तो इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अगर हम इन सब की अगर वैल्यू पुट कर देते हैं जो भी है तो उसके बाद नो आंसर आ जाएगा, आप लोग इसको आसानी से कर सकते हो। जहाँ पर भी डिवाइड का निशान है जैसे कि यहाँ पर है तो 21 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का निशान आ जाएगा, क्या है डिवाइड की जगह क्या है आप लोगों का, डिवाइड का अर्थ है माइनस, तो माइनस का निशान लगा दिया। प्लस की जगह क्या जाएगा आपका, मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 2 यानी अर 2। माइनस की जगह क्या जाएगा आप लोगों का, प्लस का निशान आ जाएगा, और उसके बाद मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाएगा आप लोगों का, मल्टीप्लाई की जगह क्या है डिवाइड का निशान आ जाएगा। तो उसके बाद जैसे सबसे पहले हम लोग बोर्ड मास के नियम के हिसाब से सबसे पहले डिवीजन वाले को सोल्व करेंगे, ठीक है। बोर्ड मास के नियम के हिसाब से सबसे पहले डिवीजन को सोल्व करें तो 3 4 12 यानी कि क्या आ जाएगा 21 माइनस में 8 मल्टीप्लाई 2 और माइनस में क्या आ जाएगा 3 4 12 4 आ गया, ठीक है भाई। तो और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे बोर्ड मास के नियम के हिसाब से, फिर मल्टीप्लाई होगी यानी कि 21 माइनस में 16 और आपका क्या जाएगा माइनस, ओ सॉरी यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस में क्या जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, यानी कि 21 के अंदर से अगर 16 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 21 के अंदर से अगर 16 घटाओगे तो 5 और प्लस में कितना बच गया 4, तो आंसर क्या जाएगा आप लोगों का 9 है वो इस सवाल का आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो आप लोगों का ये है, ये सवाल भी बहुत बार रिपीटेड सवाल है 24 इस सवाल का आंसर, जिसका निकल गया वो साथी कमेंट करके आंसर बता दें भाई। इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये प्रश्न पूछा गया। देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे, थोड़ा मैं आप लोगों के लिए स्क्रीन को जूम कर देता हूँ। इस सवाल को हम लोग देखो ऐसे करेंगे भाई, जैसे कि देखो ये 48 के सबसे पहले तो हमने देखना है जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है उसी संख्या की तरफ ध्यान देना है। तो ये 48 कैसे है, अगर हम इस 8 की और 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। अगर ओ सॉरी 8 की 2 की मल्टीप्लाई नहीं करनी। देखो भाई ये कैसे आने लग रहे हैं आप लोगों की, जैसे 48 डिजिट है कैसे आने लग रहा है, अगर हम इस 8 की
अगर हम इस 8 की मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर मतलब इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के साथ करते तो 48 आ जाएगा, यानी कि अगर इस 8 की मल्टीप्लाई 2 और 3 यानी ये 2 और 3 है इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 6, तो 8 6 का कितना आ जाएगा 48 आ गया भाई। उसके बाद जैसे अगला है आप लोगों का 6, जैसे 6 को बाहर निकाल लो 6 और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो कितना आ जाएगा 3 4 12, तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के साथ हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो कितना आ गया अपना आंसर 72 आ गया भाई आंसर। तो इसी प्रकार से सेम इसके अंदर होगा, जो 12 है इसको बाहर लिखो अलग से और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दो, यानी कि 2 1 2 और 12 2 जा कितना हो जाएगा 24। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, सबके समझ में आ गया। सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, देखो इस सवाल का आप लोगों का बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, सिंपल तरीके से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसे करेंगे इस सवाल को, जैसे कि ए और जी है, पहले हम लोग इनकी नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग कैसे, ए कितने नंबर पर आता है, एक पर, ठीक है, ये आप लोगों को खुद याद रखने पड़ेंगे, चाहे साइड में ए बी सी डी लिख लेना। जी कितने नंबर पर आता है, 7 पर। एल कितने नंबर पर आता है, 12 पर। पी कितने नंबर पर आता है आपका, 16 पर। एस कितने नंबर पर आता है आपका, 19 पर, ठीक है। तो अब हमें इस फिलिप्स में भरना क्या आएगा, अब जैसे हमने ये तो लिख लिया भाई ये इतने इतने नंबर पर आता है इतने नंबर पर, लेकिन इसके अंदर तो एक प्रॉपर जो आपका गैप हो भी तो चेक करना है, एक और सात के बीच में कितना गैप है 6 का, 7 और 12 के बीच में कितना गैप है 5 का, 12 और 16 के बीच में कितना गैप है 4 का, 16 और 19 के बीच में कितना गैप है 3 का। तो यानी कि जो आप लोगों का ये जो गैप है ये आपका कॉन्स्टेंटली क्या होने लग रहा है, एक एक डिजिट कम होने लग रहा है, यानी पहले 6 था फिर 5 हो गया फिर 4 हो गया फिर 3 हो गया, तो इसी प्रकार से एक डिजिट और कम हो जाएगा यानी कि 2 हो जाएगा और ये 2 है वो इसके अंदर जुड़ जाएगा, यानी कि 19 के अंदर 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 21, यानी कि ए बी सी डी के अंदर 21वें नंबर पर कौन सा डिजिट आता है आपका, यू आता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यू इस सवाल का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो भाई अगला क्वेश्चन है आप लोगों का ये, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, जैसे 42 और 72 का अनुपात दे रखा है और आप लोगों को पूछा भाई 12 के अनुपात में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, जैसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर हम लोग इसको काट के देखेंगे, क्या करके देखेंगे काट के देखेंगे। देखो भाई पहले तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ भाई, अगर आप लोग मतलब कि रीजनिंग का अगर कोई भी क्वेश्चन करते हो तो एक क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, मतलब आप लोग किसी भी आप लोग अपनी ट्रिक से कोई सी भी ट्रिक से एक क्वेश्चन कर सकते हो, मैं अपनी ट्रिक से बताने लग रहा हूँ। अगर हम लोग इसको काटेंगे बिल्कुल मतलब कि काट पिट के, तो इसका अगर मतलब वो करेंगे तो ये कितने पर कट जाएगा आप लोगों का, ये आपका कट जाएगा मेरे हिसाब से 7 पर और ये कट जाएगा 12 पर, ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो कितना आने लग रहा है, एक ओड नंबर है वो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा, यानी कि 7 और 5 का मतलब 7 और 12 के बीच का डिफरेंस कितना होता है 5 होता है। तो उसी प्रकार से अब हमें 12 के यहाँ पर मतलब एक ऐसा डिजिट लेना, अगर हम लोग उसको काटें मतलब काट के बिल्कुल एक छोटा से छोटा ऐसा डिजिट बना लें जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते हों, ठीक है, तो उसके टुकड़े होने के बाद उन दोनों के बीच का डिफरेंस ओड आना चाहिए। तो यानी कि 12 के रिस्पेक्ट में अगर मैं 30 लेता हूँ, जैसा कि यहाँ पर आंसर आया हुआ आप लोगों को तो सारे चेक करके देखने पड़ेंगे भाई कौन सा आएगा, 12 के रिस्पेक्ट में अगर मैं 30 लेता हूँ तो इसको अगर मैं काटता हूँ तो कितना आ जाएगा 2 6 12, 2 1 2, 2 5 10, 2 3 2 6 और 3 5 15, 2 और 5 आगे, 2 और 5 का बीच के डिफरेंस कितना आने लग रहा है 3 आने लग रहा है, तो 3 क्या है एक ओड नंबर है, तो सेम यहाँ पर भी वो एक ओड नंबर आया था डिफरेंस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 30 है, वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो कि तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है, मतलब कि आप लोगों का जो पहला पद है वो दूसरे पद से संबंधित है उसी प्रकार से जो आप लोगों का जो तीसरा पद है वो कौन से संबंधित होगा, ये प्रश्न पूछेगा। आम है आपका फल से संबंधित है, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, तो सबको पता है आलू क्या है सब्जी है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए डायरेक्ट, बिल्कुल आंख मिच के निशान लगा सकते हो इस तरीके के प्रश्न के। दो अब देखो आप लोगों का अगला सवाल क्या है, 4 अक्षर के समूह दिए गए हैं जिनके अंदर से 3 हैं वो तो किसी तरीके से समान, मतलब इन समूह के अंदर से जो उनसे 3 अक्षर हैं वो तो एक बिल्कुल मतलब एक जैसे हैं समान हैं, जबकि एक अलग है तो उस अलग का चयन करना है। तो जैसे देखो हम लोग ए सी एफ लिखते हैं, ए सी एफ इसको हम लोग क्या नंबरिंग देंगे, ए को दे दिया हमने 1 नंबर, सी को क्या दे दिया 3 नंबर और एफ को क्या दे दिया हमने 6 नंबर, यही तो नंबरिंग होती है अगर आप लोग ए बी सी डी के अंदर चेक करोगे। तो उसके बाद देखो अब हमने क्या किया भाई, 1 और 3 के बीच का क्या गैप है 2 है और 3 और 6 के बीच में क्या गैप है 3 है। सेम टू सेम यही सिस्टम आपका के एम पी के अंदर है, के एम पी के अंदर क्या क्या है आप लोगों का, जैसे के है वो आप लोगों का कितने नंबर पर आता है, के है जो ए बी सी डी के अंदर वो आप लोगों का 11 नंबर पर आता है, उसके बाद जो एम है वो आप लोगों का कितने नंबर पर आता है 13 नंबर पर आता है और जो पी है वो आप लोगों का कितने नंबर पर आता है 16 नंबर पर आता है। तो सेम टू सेम यही डिफरेंस इन दोनों के बीच में भी है, 11 और 13 के बीच में कितना डिफरेंस है
2 का और 13 और 16 के बीच में कितना डिफरेंस है, 3 का, ठीक है। तो यानी कि हमें क्या चेक करना भाई, अभी ये जितने भी होंगे इन सब के अंदर 2 और 3 का डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन जो बीसीजी है इसके बीच में 2 और 3 का डिफरेंस नहीं है, तो ये इन सब से अलग है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है भाई, 4 शब्द दिए गए हैं जिनके अंदर से 3 हैं वो तो एक एक जैसे ही, जैसे ये अभी ऊपर क्वेश्चन दिया गया था उसी प्रकार का है, लेकिन एक है वो इनके अंदर से भिन्न है, तो उसका चयन करना है। अंधा, बहरा, गूंगा और वीवर। जैसे जो अंधा होता है वो उसके अंदर भी एक डिसेबिलिटी है, बहरा है उसके अंदर भी एक डिसेबिलिटी, और गूंगा है ये भी, ये तीनों की तीनों के आप लोगों की डिसेबिलिटी है, तो इसलिए ये तीनों तो समान, और वीवर है ये आपकी डिसेबिलिटी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जैसे देखो, अब ये ऊपर जो डिजिटों वाला मतलब ऊपर आया था भाई, जैसे कि आम का संबंध फल से, तो ये उसी प्रकार का क्वेश्चन है। जैसे टेलीविजन का संबंध दूरदर्शन के प्रसारण से है, तो उसी प्रकार से रेडियो है उसका संबंध किससे, उसका संबंध सिर्फ प्रसारण से है, ठीक है। रेडियो का संबंध क्या है, सिर्फ प्रसारण से, और टेलीविजन का संबंध क्या है, दूरदर्शन प्रसारण से। आगे आप लोगों के भाई जीएस और जीके के क्वेश्चन आगे हैं, उसके बाद फिर मैथ के क्वेश्चनों पर पहुंचेंगे। वेबर है, वेबर किसकी इकाई है आप लोगों को सबको पता है, चुंबकीय प्रवाह, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। मैग्नेटिक फ्लक्स इंग्लिश में बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई क्या है आप लोगों की, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है वो क्या है, वेबर है, चुंबकीय प्रवाह की यूनिट। अगला क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र में राजनीति और सामाजिक असमानताओं पर अध्ययन से किस बात का पता चलता है। देखो भाई, आप लोगों को जो जीके है, जीके वो सिर्फ मतलब आप लोगों को दिन में एक ही घंटा देना है जीके को पढ़ने में, अगर ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे तो इसका कोई फायदा नहीं है। लोकतंत्र में राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं पर अध्ययन है वो किस बात से पता चलता है, तो लोकतंत्र में असमानताएँ मौजूद हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, इस बात से हमें पता चलता है। अगला प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है जिसने कई बार विभाजन का सामना किया है, तो 1885 के अंदर किसकी स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, किसके द्वारा की गई थी, ए ओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी गई थी 1885 के अंदर, ठीक है भाई, जो कि 1907 के अंदर दो दलों के अंदर विभाजित भी होगी थी, कांग्रेस गर्म दल नरम दल, ठीक है। तो इसी क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा विभाजनों का मतलब कि हर 2-3 साल के अंदर इसके अंदर विभाजन होते रहते थे, तो इसलिए इसको बहुत से विभाजनों का भी सामना करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताया भाई, जो ब्रिटिश संसद के अंदर जो सदस्य बने थे, ठीक है, तो भाई आप लोगों को ये बताएं, तो दादा भाई जो नाराव जी हैं ये ब्रिटिश संसद के अंदर सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, ये करंट अफेयर का प्रश्न है, अपना कुछ काम का नहीं क्योंकि अब तो नई करंट अफेयर आएगी। अगला प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो एम विश्वेश्वरिया नाम के जो इंजीनियर हैं इनके मतलब कि जो जिनको भारत रत्न मिला है, तो इनके जन्मदिन के ऊपर इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। अगला क्या है, भारतीय महिला की सबसे पहली ज्ञात आत्मकथा कौन सी है, पहली ज्ञात जो आत्मकथा है भारतीय महिला की वो है अमर जीवन, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, किरण देसाई की कौन सी पुस्तक संपत चावला नाम के एक युवा की कहानी है, जो किरण देसाई है उनकी भाई हलबलू इन द गुआवा ऑर्चर्ड नाम की जो पुस्तक है इसके अंदर एक युवा की कहानी दी गई है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, जो मतलब कि आप ये समझो भाई 2021 के अंदर जो भी बुकें आप लोगों की प्रसारित हुई हैं, जो भी बुकें छपी हैं आप लोगों को उन सब के नाम याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है, तो जो माचा नृत्य है ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है, जो माचा नृत्य है ये मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली, आप लोगों को लगभग सभी राज्यों के नृत्य शैलियों को भी याद रखना, जैसे ओडिशा के अंदर कौन सा नृत्य होता है, आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सा होता है, कर्नाटक के अंदर कौन सा, हरियाणा के अंदर कौन सा, पंजाब के अंदर कौन सा, ठीक है, तो इस प्रकार से राजस्थान के अंदर कौन सा नृत्य प्रसिद्ध, जो उनसे फेमस नृत्य हैं उनका नाम आप लोगों को याद रखना, ये करंट अफेयर का प्रश्न है बजट वाला। अगला क्वेश्चन क्या, 1764 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कोलकाता के अंदर भाई 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या, 2018 के सुल्तान अजलन शाह कप में भारत ने 5वां स्थान, ये करंट अफेयर का प्रश्न अपना काम का नहीं है। सिक्किम के लोकगीतों के उस प्रकार का नाम बताइए जो राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं, जैसे सिक्किम का लोकगीत पूछ लिया घा तो कितो, ठीक है, तभी तो मैं आप लोगों को कहने लग रहा हूँ जिक्के बहुत ही ज़्यादा वाइड है, जिक्के का स्वरूप क्या आप लोगों का बहुत ज़्यादा वाइड है, तो कहीं से कोई भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है, तो आप लोग जिक्के पर मैं कहने लग रहा है ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, मतलब जितना आप मैक्सिमम दिन में 1-2 घंटे ही जिक्के को दीजिए, ये नहीं पूरे पूरे दिन आप लोग जिक्के पढ़ते जाने लग रहे हो, ज़्यादा टाइम आप लोग रीजनिंग की प्रैक्टिस कीजिए,
ठीक है, और मैथ की प्रैक्टिस कीजिए। रीजनिंग और मैथ ही आपका पेपर के अंदर टाइम खाएंगे। आप लोगों को ऐसे लगेगा मुझे आती है रीजनिंग, मुझे आता है मैथ, लेकिन पेपर के अंदर आप लोगों का कंप्लीट भी नहीं होगा पेपर। अगला, कैनिमन में से कौन एक तांबे का अयस्क खनिज है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो चालकोसाइट होता है ये आपका तांबे का अयस्क खनिज है, यानी कि ओर है ये। ठीक है, तांबे का ओर क्या है? चालकोसाइट। और आप लोगों को मतलब और भी इनके और याद रखने, जैसे कि मरकरी का ओर क्या होता है, लोहे का ओर क्या होता है, इनके ये जो ओर हैं अयस्क हैं इनको याद रखना है, खनिज अयस्क। अगला क्या है, 1529 में गागरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? तो महमूद लोधी को भाई 1529 के गागरा के युद्ध के अंदर मुगल बादशाह बाबर ने हराया था। अभी जो एक सीरीज भी आई है द एम्पायर नाम की, आप लोगों ने सुना भी होगा, उसके अंदर साफ साफ दिखाया गया, जो उसका पहला एपिसोड आया है, कि कैसे मुगल बादशाह बाबर ने महमूद लोधी को हराया था 1529 के अंदर गागरा के युद्ध के अंदर भाई। अगला क्या है, एस्ट्रोनाइट्रिल का सूत्र क्या है? एस्ट्रोनाइट्रिल का सूत्र है CH3CN। अगला क्या, लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है? तो लोसार उत्सव हुआ आपका मोनपा जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, धन नंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जो धनानंद आएगा ये गलत टाइप किया हुआ है, धनानंद नाम था उसका। ठीक है, धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त ने धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। और जो एक और याद रखना है चंद्रगुप्त से संबंधित, इनके समय के अंदर एक फेमस जो चीनी यात्री आए थे उनका क्या नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आए थे, फाहायान। ठीक है, फाहायान है वो पहले चीनी यात्री थे जो कि भारत के अंदर आए थे, और चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर आए थे। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, ये करंट अफेयर का प्रश्न, अपने काम का नहीं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? चार ऑप्शन दिए गए, तो जो सी माई नदी है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी, ये अरब सागर के अंदर जाकर गिरती है। नदियां भी आप लोगों को याद रखनी है, नील नदी है वो कहां पर मतलब कि बहती है, या फिर और भी मतलब जो है इस प्रकार की नदियों के नाम याद रखने। अगले क्या है, जबड़ा है वो किस चीज़ का बाघ है? जबड़ा है वो आपका किस चीज़ का बाघ है? खोपड़ी का बाघ। आप लोगों ने देखा होगा कभी भी मतलब कि स्ट्रक्चर के अंदर देखा अपना जो मतलब कि बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है हड्डियों के रूप में, तो खोपड़ी का जो भाग होता है वो जबड़ा होता है। अगला क्या, निम्न में से कौन सा गति का एक सही समीकरण है? मतलब कि गति का मतलब समझते हो, जो स्पीड है उसका एक सही समीकरण कौन सा, जो स्पीड की जो इक्वेशंस होती हैं मोशन ऑफ इक्वेशंस, तो 2s = 2ut + at² है, ये बिल्कुल एक सही इक्वेशन है, बाकियों के अंदर कुछ ना कुछ कमी है। अगला क्या, निम्न में से कौन लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? चार ऑप्शन दिए गए, कौन सा है लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? तो मिनिकॉय है, ये लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है। अगला क्या है, ये करंट अफेयर का प्रश्न, काम का नहीं। अगला है, गैनीमीड अब तक हमारे सौर प्रणाली में सबसे बड़ा चंद्रमा है, वह किस उपग्रह की परिक्रमा करता है? तो वह बृहस्पति यानी कि जुपिटर की परिक्रमा करता है गैनीमीड, जो कि अब तक की हमारी जो सौर प्रणाली है उसके अंदर सबसे बड़ा क्या है, चंद्रमा है। ठीक है भाई, अब हम लोग पहुंच गए भाई मैथ पर। ठीक है, तो मैथ के अंदर जैसे कि पहला ही सवाल क्या आप लोगों का, दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अनुपात हो 3:4 है, कोई भी दो नेचुरल नंबर्स हैं उनके बीच का रेशियो दे रखे आप लोगों को 3:4। उसके बाद क्या, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे जोड़ने पर अनुपात 4:5 हो जाए, उस संख्या को ज्ञात करना है, और जो जोड़ है वो आपका संख्याओं का योग है वो 27 हो जाए, यानी कि इन दो संख्याओं का योग है वो आपका 27 हो जाए। तो हमने मान लिया छोटी से छोटी संख्या, मान ली हमने एक्स। एक्स का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है जीवन के अंदर भी और मैथ के अंदर भी। ठीक है, जैसे कभी भी ये दे रखा है कि भाई इसके अंदर छोटी से छोटी संख्या बतानी है भाई, जिसके जोड़ने पर अनुपात 4:5 हो जाए, तो हमने मान लिया छोटी से छोटी संख्या एक्स। ठीक है, और अब जैसे देखो हमने उस संख्या मान ली x, तो अब इसके मल्टीपल में भी 4x और 5x हो जाएगा। ठीक है, अगर अब हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, यानी यही तो पूछ रखे है भाई, ऊपर इन दोनों का जोड़ कितना है, योग 27 हो जाएगा, यानी कि 4x और 5x का योग कितना हो गया, 27 हो गया, यानी 4x 5x को जोड़ेंगे तो 9x बराबर कितना हो जाएगा, 27, और x किसके बराबर हो जाएगा, 27/9, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो यानी कि 3 है वो छोटी से छोटी संख्या, जो कि अगर हम 3:4 के अंदर जोड़ेंगे तो 4:5 के अंदर तब्दील हो जाएगी, और उन दोनों का योग भी क्या हो जाएगा आप लोगों का, 27 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस सवाल का, करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। आगे देखो भाई, आगे आप लोगों का रेशो का मतलब उसका क्या नाम है, उसको बोलते हैं हम लोग मीन का सवाल आ चुका है आप लोगों का। ठीक है, जो कि इसके अंदर एवरेज के सवालों के अंदर भी शुमार होता है। तो इसके अंदर क्या दे रखा है भाई, 8 संख्याओं का जो आपका मीन है वो आपका 63 दे रखा है। तो ये पूछा भाई, अगर एक संख्या को हटा दिया जाए तो कितनी संख्याएं बचेंगी, 7, तो उन 7 संख्याओं का मीन है वो 58 रह जाता है। तो जो हटाई गई संख्या है उसका मान क्या है, ये प्रश्न पूछा गया है।
तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपके सामने कभी भी टकरा जाए तो इसको करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो आप लोगों को बता देता हूँ। बल्कि आपका 8 संख्याओं का मान कितना है, 63 दे रखे है। तो जितना भी मान दे रखे होता है ना, और जितनी संख्या है उनकी आपसरी में हमेशा मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 8 संख्याओं का मान 63 है, यानी कि 8 की और 63 की क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, हमने मान लिया कि भाई हर एक संख्या का वैल्यू ही कितनी है, 63 है, और 8 की और 63 की जब हमने मल्टीप्लाई करी तो हमारा आंसर कितना आया, 500। कितना आया, 504। ठीक है, कितना आंसर आया हमारा, 504। उसके बाद 7 संख्याएं बच गई थी, 7 संख्याओं की वैल्यू कितनी थी, 58। 7 संख्याओं का मीन कितना था, 58, यानी माध्य बोलते हैं जिसको। तो इस 7 की और 58 की भी क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आप लोगों का, 406। और अब इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो वो हटाई गई संख्या आ जाएगी, यानी कि 504 के अंदर से अगर हम लोग 406 को घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 98। ऑप्शन नंबर बी सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल है आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस का, लाभ और हानि का सवाल है, बिल्कुल आसान सा सवाल है, कुछ भी नहीं दे रखे इसके अंदर। 25% छूट पर एक रामू है, एक 25% छूट पर एक मेज खरीदता है, ठीक है, और यदि उसे कोई भी छूट नहीं मिलती तो रामू को 185 रुपये और देने पड़ते हैं। मान लो भाई आप लोग जैसे कि दुकान पर जाते हो, एक बिस्कुट खरीदते हो 10 रुपये का, ठीक है, 10 रुपये है एक बिस्कुट की कीमत है, और मान लो भाई जो दुकानदार है वो उसके ऊपर 25% की छूट दे देता है, दुकानदार है वो आपके, मान लो 10 रुपये का बिस्कुट है उसके ऊपर 25% की छूट हमने मान लिया भाई, मान लो भाई आप लोगों को 7 रुपये में बिस्कुट देने लग रहा है, ठीक है, तो मतलब कि आप लोगों को कितने रुपये नहीं देने पड़े, 3 रुपये नहीं देने पड़े। तो ये पूछा भाई रामू ने मेज को के लिए कितना भुगतान किया, ठीक है, यानी कि जो उसकी जो यानी कि रामू ने मेज बिस्कुट के लिए कितना भुगतान किया, 7 रुपये का भुगतान किया, मतलब अगर आप लोगों को 3 रुपये नहीं देने पड़े, 7 रुपये का भुगतान किया। तो इसी प्रकार से हम लोग इसके अंदर करेंगे, हमने मान लिया भाई जो उसकी ओरिजिनल कीमत थी वो थी 100%, ठीक है, तो उसने 25% की छूट पर एक नई मेज खरीदी है, यानी 25% की छूट का मतलब क्या है, यानी कि 75 पर उसने नई मेज खरीदी है, 100 हमने उसकी ओरिजिनल कीमत माननी थी, उसने खरीदी है 75 पर, 25% की क्या दी गई उसे छूट, 25% छूट की वैल्यू क्या दी गई है, 185, यही तो दे रखे भाई, अगर उसे 25% छूट मिलती है तो वो 185 रुपये उसको कम देने पड़ते हैं, ठीक है, तो यानी कि 25 की वैल्यू कितनी है सवाल के अंदर, 185, और उसकी ओरिजिनल कीमत एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 185 बटे में 25, और पूछ कितने की रखी हमें, 75 की, यानी कि उसने पूछा भाई रामू ने मेज के लिए कितना भुगतान किया है, 25% तो उसको छूट दे दी गई है, तो अब उसने वर्तमान में उसकी कीमत कितनी है मेज की, ये प्रश्न पूछा गया है, तो यानी कि 185 बटे में 25 और गुणा में 75 आ जाएगा, ठीक है, 25 + 75 और 3 की और 185 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 555 है वो इस सवाल का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए, बिल्कुल आसान सा सवाल था, सबके समझ में आ गया होगा। अगला सवाल आपका आयु संबंधित, बिल्कुल आसानी से कर सकते हो भाई, अरुण और आनंद की आयु का अनुपात है वो आप लोगों को दे रखा है 3:1। उसके बाद 5 साल बाद अरुण की आयु कितनी थी, 3, हमने मान लिया भाई कि जो भी मतलब कि इनकी वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु पूछ रखी है, वर्तमान आयु मान ली हम लोगों ने इनकी एक्स, ठीक है, तो यानी कि 5 साल बाद अरुण की आयु, यानी कि 5 साल बाद का मतलब है भाई 3 × 5 साल बाद, यानी कि जो वर्तमान आयु है उसके अंदर 5 साल और जोड़ दो, वर्तमान आयु एक्स मानी थी उसके साथ अंदर 5 साल और जोड़ दिए, 3x = 5 किसके बराबर हो जाएगी, अरुण की आयु, अरुण है ये अपना लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये वाला अरुण है, ठीक है, आनंद की आयु के 2 गुने, आनंद की आयु का अनुपात कितना था 1, आनंद की आयु का 2 गुना यानी कि एक्स का 2 गुना, ठीक है, और उसके बाद यानी कि आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि एक्स का 2 गुना, ठीक है, और क्या हो जाएगा से 5 अधिक होगी, एक्स के 2 गुणे से 5 अधिक होगी, यानी कि 2x + 5 आ जाएगा, ठीक है, तो अब इसको सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, इस 3x मतलब 3 के अंदर मल्टीप्लाई होगी पहले, तो क्या हो जाएगा 3x + 15 और बराबर में कितना हो जाएगा 2x + 5, दोबारा से लिख देता हूँ 3x + 15 और बराबर में 2x + 5, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 10x की वैल्यू आ जाएगी, रेशो कितना था अपने पास 3:1 और वर्तमान आयु हमने क्या माननी थी x, ठीक है, तो x है तो यानी कि 3x और 1x था इनका, ठीक है, x की वैल्यू अपने पास कितनी आई है 10 आई है, तो x की वैल्यू 10 टेकेंगे तो इसके अंदर क्या आ जाएगा 3 × 30 और 1 × 10, अरुण की वर्तमान आयु पूछिए तो अरुण कौन सा था लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो अरुण की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 30, और अगर ये पूछ लेता भाई आनंद की आयु कितनी है तो आनंद की आयु कितनी बता देते हैं हम लोग 10 साल, बिल्कुल आसान सा सवाल था, कुछ भी मुश्किल नहीं था इसमें। अगला सवाल क्या है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि का, बिल्कुल इजी लेवल के सवाल आते हैं SSC GD के अंदर। ये देखो भाई एक दुकानदार एक वस्तु के विक्रय मूल्य को 39 रुपये कम कर देता है, 10% का लाभ और 3% की हानि में बदल जाती है, जो 10% का जो लाभ होना, मान लो देखो भाई वस्तु का जो
मेन जो कीमत है वो हमने मान ली 100, ठीक है, यही तो पूछा भाई। तो वस्तु का मूल्य, मूल मूल्य कितना है, जो भी चीज हमें पूछी गई हो ना भाई, मूल मूल्य कितना है, लाभ कितना हुआ, हानि कितनी हुई, उसी को हमने सबसे पहले मानना है। 100 मान लो, चाहे एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, मैंने मान लिया 100। उसने कह दे रखे 10% का लाभ है वो 3% की हानि में बदल जाता है। अगर इसको 10% का लाभ होता बाय चांस तो कितना होता, आप लोग खुद बताओ। अगर इसको 10% का लाभ होता तो यानी 110 हो जाता, ठीक है, और वो किसके अंदर बदल दिया है, 3% की हानि। 3% की हानि का मतलब कितना हो गया, 3% की हानि का मतलब 97 हो गया, ठीक है। यानी कि अगर ये क्या कह देता है, अगर वो दुकानदार है वो वस्तु को 39 रुपये कम में बेचता है, तो उसका जो 10% का जो लाभ होना था, यानी कि वो वस्तु उसे 110 रुपये में बेचनी थी, वो उसकी 97 रुपये में बिकी है, यानी 30% हानि के साथ बिकी है, तो वस्तु का मेन मूल्य बताना, जो मेन मूल्य है वो कितना है। तो यानी कि इतने का गैप है, यानी कि परसेंटेज के अगर हिसाब से, और जो हमें दिया गया है उन दोनों को हमेशा कंपेयर करना होता है, तो परसेंटेज के हिसाब से कितना गैप है, 13 का गैप है, यानी कि 97 रुपये और 110 के बीच में कितना गैप है, 13 का गैप है। यानी कि अगर वो 10% लाभ की अपेक्षा 3% हानि के अंदर बेचता है तो उसे 13 का घाटा होता है, और इसके अंदर कितना है, उसे 39 रुपये कम कर देता है, तो जितना घाटा उसको क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो 13 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 39, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 3 39, 3 आ जाएगी। हमें मेन मूल्य दे रखे भाई, वस्तु का मेन मूल्य कितना, मेन मूल्य हमने 100 माना था, एक की वैल्यू 3 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, सबके समझ में आ गया होगा। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, समय चाल और दूरी, बिल्कुल आसान लेवल का सवाल है। एक कार है 4 घंटे में 120 किलोमीटर की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है, यदि कार उसी दूरी को 3 घंटे 20 मिनट में तय करती तो कार की गति क्या होती है। यानी कि सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस कितनी दे रखी है, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी दे रखी है आप लोगों को, 120 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना दे रखा है आप लोगों को, 4 घंटे, तो कितनी हो जाएगी, 120 × 4, 400, 4 × 8, 4 × 4। तो अपने पास डिस्टेंस कितनी आएगी, 480 किलोमीटर है वो अपनी क्या आएगी, डिस्टेंस आएगी। इसको याद रखना, 480 किलोमीटर की आएगी अपनी डिस्टेंस आएगी। अब ये दे रखे, अगर कार उसी दूरी से 3 घंटे 20 मिनट में तय करती है, अगर उसी दूरी को, तो कार की गति क्या होती, यानी अब गति पूछे, यानी स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय में टाइम, और डिस्टेंस क्या दे रखी है अपने को, वही डिस्टेंस रखनी है। तो यानी डिस्टेंस क्या है, अभी निकाली थी 480, टाइम कितना दे रखे अपने को, 3 घंटे 20 मिनट। 3 घंटे 20 मिनट का मतलब क्या है, अगर हम इसको घंटे के अंदर बदलेंगे तो यानी कि 3 घंटे 20 मिनट का मतलब है 3 सही 1/3 घंटे, ठीक है। अगर इसको अगर हम 20 मिनट को भी अगर घंटे के अंदर बदलेंगे तो 3 सही 1/3, 1/3 कैसे होया, क्योंकि देखो 60 मिनट होती है और ये हमने क्या दे रखी है, 20 मिनट दे रखी है, 3 घंटे 20 मिनट दे रखी है, तो 20 मिनट को हम लोग कैसे कर सकते हैं, 60 मिनट का कितना फ्रैक्शन है, 1/3 भाग है, तो हमने लिख लिया 3 सही 1/3। इसको अगर और फर्दर सोल्व करेंगे तो 3 3 9 और 1 10, यानी कि 10/3 आ जाएगा। तो टाइम कितना हो गया अपना, 10/3 घंटे, तो ये बटे में टाइम लिखेंगे तो टाइम नीचे 10 और ऊपर 3 चला जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, इस सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा, आसानी से कर सकते हो आप लोग। अगला सवाल है आपका, मतलब कि कार्य यानी कि जो वर्क होता है उससे संबंधित है, वर्क एंड टाइम से, टाइम एंड वर्क से है आपका, समय और कार्य से संबंधित सवाल है भाई। ए बी सी हो किसी काम को 12, 15 और 30 दिनों में करते हैं, ठीक है, यदि वे एक साथ कार्य करते तो अनुपात ज्ञात करें जिसमें राशि वितरित की जानी। बहुत ही लो लेवल का और आसान लेवल का सवाल है, 12, 15 और 30 के अंदर काम करते हैं ए बी और सी, आप लोगों को भी पता है इस प्रकार से लिखा जाता है, फिर इनका टोटल वर्क निकाला जाता है। टोटल वर्क कैसे निकाला जाता है, टोटल वर्क होता है इन तीनों का एलसीएम। अगर हम इन तीनों का एलसीएम लेते हैं तो टोटल वर्क कितना आ गया आप लोगों का, 60 आ गया, ठीक है। तो उसके बाद हमें यह पूछ रखे भाई कितने के अंदर वितरित की जाना चाहिए, किस अनुपात के अंदर, तो वो होता है इसकी इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब इसकी कार्य क्षमता कितनी है। तो कार्य क्षमता देखो भाई, अगर मतलब कि जो ए है, ए 12 दिनों के अंदर 60 काम करता है, ये टोटल काम आ गया आपका टोटल वर्क। अगर ए है वो 12 दिनों के अंदर 60 काम करता है तो एक दिन के अंदर कितना करेगा, 5 काम करेगा एक दिन के अंदर, यानी कि 12 15 60, यानी कि ए की इफिशियंसी कितनी आएगी, 5 आएगी। तो इसी प्रकार से 15 चौके 60, बी की इफिशियंसी 4 आ जाएगी, और इसी प्रकार से 30 दूनी 60, यानी कि सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये आएगी इन तीनों की इफिशियंसी, और इसी के अंदर क्या होगी, इनकी राशि एक दूसरे के साथ वितरित की जाएगी, यानी कि 5 4 और 2, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल आप लोगों का एवरेज स्पीड से रिलेटेड भाई, अगर एक कार है पहले घंटे के अंदर 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, दूसरे घंटे के अंदर है वो आपकी कार 65 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और तीसरे घंटे के अंदर 70 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार की औसत गति बतानी है, यानी कि एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड क्या होती है, तीनों स्पीडों को जोड़ देंगे, यानी कि 60 प्लस में 65
प्लस में 70 और जो 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 60 65 और अगर हम 70 को जोड़ते हैं तो आप लोगों का आंसर कितना था, 195, ठीक है। और 195 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, 65। ऑप्शन नंबर बी क्या है इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल छोटा सा सवाल था। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस से ही संबंधित है। इस सवाल के अंदर क्या दे रखे अपने को, मैंने 8,800 रुपये में एक वस्तु को बेचा और इस तरह 10% का लाभ कमाया, यानी कि कोई वस्तु थी मेरे पास, मैंने उसे 8,800 रुपये में बेचा और 10% का लाभ कमाया, यानी कि 100 रुपये थी मान लिया भाई उस वस्तु की ओरिजिनल कीमत, और 8,800 में बेचा तो यानी 10% का लाभ का मतलब 110 रुपये हो गया। 110 रुपये का मतलब क्या हो गया भाई, 8,800, ठीक है। यानी कि भाई 8,800 रुपये के अंदर बेचे तो यानी कि 10% के लाभ के साथ उस वस्तु की कितनी कीमत होगी थी, 110, यानी 110 की वैल्यू कितनी है, 8,800। जीरो से जीरो कट जाएगी, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 से कट जाएगा तो 8 पर कट जाएगा, यानी कि 80, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई, 80। तो यानी उस वस्तु की ओरिजिनल कीमत कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू 80 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8,000। तो यानी कि उस वस्तु की जो ओरिजिनल कीमत है वो कितनी आ गई अपने पास, 8,000। आगे क्या दे रखे, 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने राशि में उसे बेचना चाहिए, अगर अब इस 8,000 के ऊपर अगर वो 15% का लाभ लेना चाहता है तो इस वस्तु को कितने रुपए के अंदर बेचेगा। तो यानी कि 15% का लाभ का मतलब क्या है, जैसे 100 पर, यानी 15% के लाभ का मतलब क्या है, 115, ठीक है। यानी कि 8,000 रुपये की वस्तु है और उसके ऊपर अगर वो 115 का हिसाब से लाभ लेना चाहता है तो 115/100, 115% हो जाएगा, 115/100, 20 से 20 कट जाएगी और इसको अगर मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 9200 है वो इस सवाल का क्या जाएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 15% लाभ लेना है। तो आगे आ गई आप लोगों की इंग्लिश, ठीक है, जो कि बिल्कुल आसान सी लेवल की आती है। सेलेक्ट द सिनोनिम्स, सिनोनिम्स का मतलब होता है उसी जैसा शब्द। फ्लिमसी का सिनोनिम्स क्या होता है, फीबल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उसी से आप लोगों के ये सब करेक्ट होंगे। अगला क्या आप लोगों को ये सेलेक्ट करना भाई, इस सेंटेंस के अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं, अगर मिस्टेक है तो वो कौन सी है। माई कज़न वॉन्ट बी एबल टू लिव फॉर मुंबई अनटिल हिज पेरेंट्स विल हैव अराइव्ड, यानी कि विल हैव अराइव्ड की जगह क्या आना चाहिए, इसको करेक्ट करके बताना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अनटिल हिज पेरेंट्स अराइव, यानी कि जब तक उसके पेरेंट्स नहीं आते तब तक है मैं अपने कज़न को अकेला नहीं, मतलब मैं अपने कज़न को मुंबई के लिए नहीं छोड़ सकता जब तक उसके पेरेंट्स नहीं आ जाते, ठीक है भाई। इसका आंसर ये हो जाएगा आपका यहाँ पर, मतलब आप ये लोग ये सोचने लग रहे होंगे कि भाई कि ये क्यों आया भाई, आ जाते ऐसे कहा, इसने ये नहीं कहा भाई जब तक उसके पेरेंट्स आएंगे तब तक मैं उसे छोड़ने नहीं जाऊँगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अगला भी इसी प्रकार का है भाई, ग्रामेटिकल एरर निकालना है। क्लियर एंड डिफाइंड प्रसेप्शन एनेबल्ड हर टू डिसमिस द सजेशन गिवन बाय सम अराउंड हर, तो क्लियर एंड डिफाइंड है ये आपका ग्रामेटिकल एरर है। अगला क्वेश्चन क्या है, ए कोल्ड ब्लडेड, मतलब कि ऐसा वर्ड चूज करना है जो कि इस सब के लिए मतलब कि सेम हो, मतलब वो एक वर्ड ही इस पूरे सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर दे। ए कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट टाइपिकली लिविंग ऑन लैंड बट ब्रीडिंग इन वाटर, ये रेप्टाइल्स होते हैं, साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। अलग अलग प्रकार मैमल्स के अंदर क्या आता है, ह्यूमंस बींग्स आते हैं, ठीक है, अगर कभी पूछ ले तो। इसे आप लोगों का है भाई, इसके अंदर से अंडरलाइन जो सेंटेंस का रखे है इसकी जगह क्या आएगा, सम पीपल आर सो गुड दैट ए मर लुक्स एट देम प्लीज यू ए लोट, तो ए मर लुक्स एट देम प्लीजिज यू आएगा, ठीक है, यानी कि ए मर लुक्स एट देम प्लीजिज यू है ये आप लोगों का, मतलब कि ये वाला आएगा, इसकी जगह ये इम्प्रूवमेंट होगी और इसके अंदर कुछ भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगला क्या, अगला है आपका एंटोनिम्स, यानी कि इसका हमें अपोजिट वर्ड बताना है, पोसिसिटी। पोसिसिटी का अपोजिट वर्ड क्या होता है, स्केरिटी। स्केरिटी का मतलब डरना, ठीक है, पोसिसिटी का मतलब से वो बिल्कुल उल्टा मतलब है इसका। अगला क्या है, अप्रोप्रिएट वर्ड बताना, इसकी जगह क्या फील आएगा, ह्यूमंस हैव ए नेचुरल डैश टू कोऑर्डिनेट देयर मूवमेंट विद म्यूजिक, मतलब भाई ह्यूमंस की क्या होती है, एक नेचुरल डिसेबिलिटी होती है कि भाई वो म्यूजिक के साथ अपने मतलब शरीर को मूव करना शुरू कर देते हैं, जैसे भी मतलब म्यूजिक चलता है उसी के साथ हम लोग अपने शरीर को भी मूव करना शुरू कर देते। आई थिंक भाई इसके अंदर ये डिसेबिलिटी है, इसने गलत दे रखा है, जिसका भी ये मतलब पेपर है, इसके अंदर टेंडेंसी आएगा, वुमन्स हैव ए नेचुरल टेंडेंसी टू कोऑर्डिनेट देयर मूवमेंट्स विद म्यूजिक, भाई वुमन्स के अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी होती है भाई म्यूजिक के साथ कोऑर्डिनेट करने की, इसके अंदर टेंडेंसी आएगा भाई, ये गलत कर रखा है, जिसका भी सॉल्यूशन किया हुआ ये पेपर है। अगला क्वेश्चन इसके अंदर भाई करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है, इसके ये भी गलत बता रखे है, मिसलेनियस की स्पेलिंग ये होती नहीं, एक कौन सी बता रखी है, किसका पेपर उठा लिया है भाई, ये बिल्कुल गलत स्पेलिंग है, ये मिसलेनियस की ये वाली स्पेलिंग होती नहीं बिल्कुल भी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाए, मिसलेनियस की ये वाली स्पेलिंग होती है भाई।
इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती इसको, जिसका भी ये पेपर है। अगला प्रश्न क्या, ही वेलकम्ड द ऑडियंस विद ए हर्टफुल ग्रेटिट्यूड फॉर द काइंड प्रेजेंस ऑफ द डे ऑफ द सोशल गैदरिंग इन द कॉलेज। तो इसकी जगह क्या आएगा भाई, फॉर देयर काइंड प्रेजेंस है इसके अंदर, हमने ये मतलब सेलेक्ट कर रखा है भाई कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट लेगमेंट सेकंड इन द इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, मतलब इसके अंदर कोई भी हमें चेंज करने की जरूरत पड़ी है, क्या चेंज करना, यहाँ पर सिर्फ प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंसिस आएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, इसके अंदर ये करेक्टनेस आ जाएगी। एक दो आप लोग मतलब कि हिंदी के क्वेश्चन और देख लीजिए, बाकी इंग्लिश के अंदर लगभग यही रहेंगे आपके, एंटोनिम सिनोनिम। खालिस्तान बढ़ना है, सैनिक देश की क्या करते हैं, ऑप्शन दिए गए हैं तो रक्षा करते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था हिंदी का। अगला देखो भाई, इसके अंदर हमें त्रुटि यानी कि गलती निकालनी है सेंटेंस के अंदर। तो समूहों के लोगों की आपसी मेल मिलाप के तौर तरीकों का जटिल स्वरूप ही समाज है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। तो समूहों के लोगों के आएगा यहाँ पर, की नहीं आएगा, समूहों के लोगों के आपसी मेल मिलाप के तौर तरीकों का जटिल स्वरूप ही समाज है। अगला है विलोम सब चुनना है, निशा का आ जाएगा दीवा भाई, बिल्कुल करेक्ट है। निशा का मतलब क्या होता है, रात। ठीक है, रात का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, दीवा। दीवा का मतलब हो गया मतलब कि जो दीवा लगाते हैं दीपावली वाले दिन, वो वाला दीवा है जिससे रोशनी होती है, तो इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट वर्ड हो जाएगा। अगला सेंटेंस क्या दे रखा है भाई, कि जो रेखांकित जो वर्ड है इसको प्रतिस्थापित करें यानी इसको रिप्लेस करना है। शीतल वायु चल रही है, शीतल का मतलब क्या होता है, ठंडी ठंडी हवा चलने लग रही है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है भाई, एक मुहावरा दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, तो अधर में लटकना। त्रिशंकु का मतलब क्या भाई, आधे में अगर कोई काम लटक जाता है तो उसको बोलते हैं त्रिशंकु होना। अगला है, अगला आपसे एक पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, व्यवधान। व्यवधान का पर्यायवाची क्या होता है, बाधा, मतलब कि किसी भी काम के अंदर बाधा उत्पन्न करना, यह क्या होता है, व्यवधान का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला आपका वर्तनी वाला शब्द भाई, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो जो बुलक्कड़ है वो बिल्कुल सही वर्तनी, बाकी तीनों जो शब्द लिखे गए हैं गलत तरीके से लिखे गए हैं, बुलक्कड़ को इस प्रकार से सही लिखा जाता है। अगला है रिक्त स्थान को भरना है, बागों में खालिस्तान खिलते हैं, बागों के अंदर क्या खिलते हैं, फूल खिलते हैं, तो ये बिल्कुल मतलब आसान सा था, आसानी से फील कर सकते हो आप लोग। अगला है वाक्य का वह भाग ज्ञात करना जिसके अंदर कोई ना कोई गलती है। लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को सम्मान मानती है, जो लोगों को समान मानती है यानी कि बराबर मानती है, तो मानती है थोड़े ना, जो लोगों को समान मानती है बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को समान मानता है। ठीक है, ये प्रश्न आना था। अगला इसके अंदर भी एक त्रुटि ज्ञात करनी है, मतलब मिस्टेक फाइंड करनी है। विज्ञान के युग ने समय की महत्व बहुत बढ़ा दिया है, समय की महत्व नहीं, समय का महत्व बहुत बढ़ा दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, बी के अंदर गलती है। अगला आपसे पर्यायवाची शब्द पूछा गया है भाई, अवगुण। अवगुण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, दोष, यानी अवगुण का मतलब कोई ना कोई कमी होना या फिर कोई ना कोई उसके अंदर बुराई होना, तो उसको पर्यायवाची यानी उसके जैसा ही जो सेम मीनिंग निकलता है वो होता है दोष। अगला क्या आप लोगों को फिर से रिक्त स्थान भरना है, कि बाहर लड़की के खालिस्तान पड़े हुए हैं, तो क्या पड़े हुए हैं, गट्ठर पड़े हुए हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला प्रश्न क्या, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो सही वर्तनी माखन चोर को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, बाकी तीनों के तीनों मक्खन चोर, माखन चोर या फिर माखन चोर के ऊपर दो मात्रा, ये सारे की सारी गलत स्पेलिंग। वर्तनी का मतलब क्या होता है, स्पेलिंग होता है। अगला है आप लोगों के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसका कोई आधार नहीं है, उसको बोलते हैं हम लोग निराधार, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द का मतलब है एक ही शब्द के अंदर उस पूरे सेंटेंस का अर्थ, यानी निराधार का मतलब क्या होता है, जिसका कोई आधार नहीं है। तो ये था भाई आप लोगों का SSC GD कॉन्स्टेबल का, मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिया, प्रीवियस ईयर का पेपर था। ठीक है, जो कि आपका आया था बिल्कुल आसान लेवल का पेपर था, आप लोगों ने चेक कर लिया होगा आप लोगों को कितना आता है। अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस की PDF थी, तो डिस्क्रिप्शन में Instagram ID का लिंक है, आप लोग मैसेज करके PDF ले सकते हो। धन्यवाद।